नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिम्मत की विजय। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, जमनापुर नामक देश में राजा रघुवीर राज्य करते थे। राजा रघुवीर दयालु, न्यायप्रिय एवं कुशल शासक था। राजा रघुवीर की जय। उसकी एक सुंदर बेटी थी रानिका। रानिका अत्यंत गुणवती थी। उसी राज्य में रहता था शमशेर, राजा रघुवीर का सौतेला भाई। उसकी नजर जमनापुर की राजगद्दी पर थी। रघुवीर के बाद राजगद्दी मेरी है, पर बुढ़ा जल्दी मरता ही नहीं। परंतु एक दिन उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे बाद मेरी बेटी रानी का राज्य करेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये गद्दी मेरी है और मेरी रहेगी। उसी रात वो राजमहल में आग लगा देता है। परंतु ना जाने कैसे राजा एवं रानी बच गए। शुक्र है आप दोनों सलामत हैं। ओह, ये दोनों कैसे बच गए? तभी शमशेर, ये क्या कर रहे हो? खच आ धच आ कमीने, खच आ, हे भगवान। राजकुमारी रानिका उस वक्त अपनी सहेली के यहाँ थी कि तभी राजकुमार रानी का अनर्थ हो गया। क्या? पूरी घटना सुनकर, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं राजकुमारी, चतुराई से काम लो। उस धूर्त ने सेना का समर्थन प्राप्त कर लिया है। आपको खतरा है, तो आप यहां से भाग जाइए। जब आप अच्छी सेना इकट्ठी कर लें, तब उसको सबक सिखाइएगा। ठीक है बाबा, वो रही, पकड़ो, पीछा करो। और रानी का घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकलती है। भाग गई, दूसरे घोड़े लेकर चलो। रानी का अपने दूसरे सहेली के पास पहुंची। दीपिका, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे रानिका, हाँ, बोलो। मुझे मर्दों के कपड़े चाहिए। अभी लो, राजा रानी के विषय में सुना, बड़ा दुख हुआ। जल्दी, अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। सच कहती हो, रानिका चल पड़ी। लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मंजिल की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता है। उसी में से एक था शुभांक। सवेरा हो गया, और नहीं तो क्या, कुछ खाने का प्रबंध करना चाहिए मुझे भी। ला ला, उफ, गाने की क्या जरूरत है? अचानक घुर, आए, ये कौन बोला? ये तो भालू है। घुर, तुम दूर रहो, मैं निपटता हूं इससे। घुर, शुभांक रीस से गुत पड़ा। घुर, हम्फ हम्फ, आखिरकार तड़ाक, भूख और बढ़ गई है। लाला लाला, उफ, फिर शुरू हो गया। मैं कहाँ शोर कर रहा हूं। खच खच, सुम सुम, अरे ये दूसरा तीर कहां से आया? तभी धप, ये हिरन मेरा है। असंभव, तीर पहले मेरा लगा है। नहीं, मेरा तीर पहले लगा है। हिरन ले सको तो ले लो। अगले ही पल तो ठीक है, टन टन, अब क्या करना है? तुम बहादुर हो और बहादुर लोग मुझे पसंद हैं। मेरा ख्याल है हम दोनों के तीर एक ही समय लगे थे। अब ठीक समझे, शायद तुम ठीक कह रहे हो। उफ, पट्टा कितना भारी है। चलो यार, इसे दोनों मिलकर खाते हैं। जल्दी, मुझे शुभांग कहते हैं, मुझे राणा कहते हैं। तुम यहां क्या कर रहे थे राणा? मेरे पिता पास वाले राज्य के राजा थे। उसके सौतेले भाई ने उनका कत्ल कर दिया और खुद राजा बन गया। मैं किसी प्रकार बच गया। मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं सेना एकत्र करके उस कमीने से अपने माता पिता की हत्या का बदला लूंगा। सेना एकत्र करना इतना आसान नहीं है, वर्षों लग जाएंगे। हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय है? राक्षस कीरत की राख अगर जमीन पर बिखेर दी जाए तो वहां एक विशाल सेना प्रकट हो जाएगी। पर क्या शुभांक,
किरत राक्षस की राख पाने के लिए उसका मरना बहुत आवश्यक है, उस तक पहुंचना असंभव है और तुम अकेले भी हो। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मैं? अरे भाई, मुझे और भी कई काम है। तभी टन टन खच, बचकर कहाँ जाएगा बच्चू? हूं, अभी पहुंचाती हूं तुझे यमलोक। खच, धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये हुई ना बात, फिर क्या था, दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। आओ इनसे कोई उपाय पूछते हैं, इनसे चलो। क्या चाहते हो बच्चों? महाराज, हम राक्षस कीरत का वध करना चाहते हैं, आपसे उपाय पूछना चाहते हैं। राक्षस कीरत? अगर उसके सामने ज्वाला राज राक्षस का सिर रख दिया जाए तो वो भस्म हो जाएगा। परंतु परंतु क्या महाराज, राक्षस ज्वाला राज को मारना इतना आसान नहीं है। हम कोशिश करेंगे महाराज, और फिर वो दोनों अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आखिर एक दिन यहाँ से राक्षस ज्वाला राज की सीमा आरंभ होती है। अच्छा, कैसी भयानक जगह है, मर्द होकर डरते हो? डर तो मुझे भी लग रहा है। तभी ची ची उफ, राणा शुभांग बचो। खच ची ची खच, छपाक उफ, कितना गंदा पानी है। अच्छा, गंदा पानी देखकर नहीं कूदा? अरे ठक, माफ करना मालिक, पर राणा को आपकी मदद की जरूरत है। तुम उसे संभालो, मैं इसे। अगला खतरा उनके सामने था, मगरमच्छ। खच, वाह चर, ये तो गया काम से। उधर राणा यानी कि रानिका ने भी मगरमच्छ का काम तमाम कर दिया था। ये ले तू भी। तभी दोनों मगरमच्छों का रूप परिवर्तित हुआ। है ये क्या, दो सुंदर कन्या? हम देव कन्याएं हैं, एक श्राप की वजह से हम घड़ियाल बन गई थी, तुमने हमें आजाद कर दिया। आप दोनों राक्षस ज्वाला राज का वध करना चाहते हैं ना? उसे मारना आसान नहीं है, मामूली तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सर्वप्रथम तो आप वो तलवार प्राप्त करें जो बिल्ली रानी की गुफा में है, उसी से ज्वाला राज मारा जा सकता है। जी अच्छा, पर आपका नाम क्या है? तुम्हें इससे क्या है? यह है वो गुफा। आप यही ठहरे, हम अभी आते हैं। माफ करें, हमें जाना होगा। ओह, कुछ समय बाद वे दोनों गुफा में अंदर घुसे। ओह, तीन सिर वाली बिल्ली, इसे काबू में करना ही होगा। राणा बचो। खच खच, वो रही वो लाल तलवार, इसी से राक्षस ज्वाला राज को मारेंगे। शुभांग ने वो तलवार उतार ली और उसके बाद यहां पर ज्वाला राज का निवास है। तभी कट कट कट, अरे बाप रे, ये क्या बला है, हे भगवान, इतना बड़ा बिच्छू। खच, तभी ची ची खचाक खच, अब क्या, फू, राक्षस ज्वाला राज, अब नई मुसीबत आ गई। आए कोई असर नहीं। टन, राणा तुम छिप जाओ, इससे मैं निपटूंगा, पहले बोलना चाहिए था। और शुभांग भिड़ गया राक्षस से। ढिसुम, आखिरकार खच, भाई वाह, इससे लड़कर तो मजा आ गया, मेरी तो जान सूख गई। इसके सिर को कपड़े में बांध लेते हैं। दोनों आगे बढ़ गए, नदी पहाड़ और खाई पार करते चले गए। एक रात, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया शुभांग। मेरे बारे में? अरे तुम्हारे हाथ तो लड़कियों जैसे हैं। हैं? तुम्हें तो हर जगह लड़कियां नजर आती हैं। खैर अपने बारे में बताओ। नहीं यार राणा, सच। खैर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, हाँ दिल का बोझ हल्का होगा। मैं अपनी पत्नी के साथ खुश था, हमारी नई नई शादी हुई थी। घूमने के लिए हम एक नगर में पहुंचे, कितनी खूबसूरत जगह है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। वहां के राजा के भाई को बुरी नजर मेरी पत्नी पर गई। वाह क्या लड़की है। एक रात जब मैं बाहर गया हुआ था, हमारे साथ चल वरना मार देंगे। नहीं, जब मेरी पत्नी नहीं मानी तो तब मैं वहां पहुंचा। नहीं, उन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर जंगल में फिकवा दिया, और मैं उसी उसी आदमी की तलाश में हूं। उसके उसके दाई गाल पर काला तिल है।
काला तिल। शुभांग, लगता है तुम्हारी पत्नी का कातिल वही है जिसने मेरे माता पिता को मारा है। क्या कह रहे हो राणा? अगर ये सत्य है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। मेरी तलवार उस कमीनी की गर्दन काटने को बेताब है। सवेरा होते ही एक दिन, तभी उफ, बाल बाल बचे हैं। धप गिट गिट, अगले ही पल खच। राणा, लगता है हम राक्षस कीरत के आसपास हैं। ओह, आगे हिस खचाक। अरे ये आवाज, ये तो राक्षस कीरत है। अर राणा बचो, धाड़, ओ बचो। इस पर तो असर ही नहीं हो रहा। घुर, अब तो ज्वाला राज का सिर इसके आगे रखना ही पड़ेगा, वरना ये हम दोनों की चटनी बना देगा। घुर, अर, कुछ ही देर में राक्षस कीरत की राख हो गई। उफ, और फिर दोनों उसकी राख लेकर चल पड़े। आखिरकार जमनापुर, मेरा राज्य, किले के पास, यहाँ राख बिखेर दी जाए। हाँ, उसी क्षण उनके सामने एक विशाल सेना प्रकट हो गई। उधर है इतनी विशाल सेना, हमारे किले को सेना ने घेर लिया है। क्या बकते हो, चलो मैं चलता हूं। जल्दी सेनापति से कहो मुकाबला करें। जी महाराज। फिर क्या था, लड़ाई शुरू हो गई। टन, उफ, मेरा टोप गिर गया। राणा एक लड़की। जीत सत्य की हुई। राजकुमारी रानी का, राजकुमारी रानी का ये रहा शमशेर। मेरे माता पिता के हत्यारे, तो जिंदा नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो बेटी। और मुझे पहचाना कमीने, याद कर तूने मेरी पत्नी की हत्या की थी। हैं, ओह, मुझे माफ कर दो। तभी धप, ओह, शमशेर ने भागना चाहा, मगर खचाक खच, आ, तुमने फिर बीच में टांग अड़ाई। मैंने तुमने मेरे शिकार पर तीर चलाया। उफ, फिर शुरू हो गए। उफ, अच्छा बाबा, तुम जीते यानी कि जीती, मैं हारा, मैं जा रहा हूं। नहीं, मत जाओ, चलो चलो। अरे क्या हुआ तुझे, चल क्यों नहीं रहे? मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। ओह, अब समझा, तुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। ठीक समझे तुम? ठीक है भाई, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। मैं तो अकेला ही रह गया। मत जाओ शुभांग, तुम अकेले नहीं हो। शुभांग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रिय। जमनापुर वासी अपने राजकुमारी को पाकर बेहद प्रसन्न थे। राजकुमारी की जय। शुभांग अमर रहे, राजकुमारी अमर रहे। राजकुमारी रानिका का विवाह शुभांग से कर दिया गया, और दोनों ने काफी समय तक जमनापुर पर राज्य किया। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।